डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, एक्सरसाइज 47। तो इस एक्सरसाइज में आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक लास्ट वीडियो में मैं दे चुका हूँ, और अब हम लोग इसके आगे जो है क्वेश्चन नंबर 11 से आगे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कह रहा है 19 में, वन बकेट ऑफ सेल्स वेट इतना केजी। यहाँ पे सेल्स मतलब किसी चीज़ का जो खोली होता है उसको सेल्स बोला जाता है, जैसे नारियल का खोली हो गया इस तरह से। तो एक बकेट में, एक बाल्टी में इतना केजी रखा हुआ है, उसका वेट इतना है, और दूसरे बकेट में इतना रखा हुआ है। अब जो है तो एक सेल का, एक खोली का वज़न जो है इतना है 0.295 kg। हाउ मैनी सेल्स आर देयर इन बोथ द बकेट्स। तो दोनों बाल्टी में जितना भी वेट हुआ, तो उस दोनों बाल्टी में कितने सेल्स रखे हुए हैं, तो यहाँ क्या करना है, इसको और इसको ऐड कर देना है, उसके बाद इससे उस नंबर को डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19। तो सबसे पहले एक बकेट में कितना वेट है, वेट एक बकेट में 4.13 kg इतना हो गया। उसके बाद वेट ऑफ अनदर, दूसरा जो बकेट है उसमें कितना दिया हुआ है, इक्वल टू 5.9 kg इतना हो गया। तो टोटल वेट कितना हो गया, टोटल इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ देते हैं तो 4.13 और 5.90 इस तरह से लिखा जाएगा। वेट ये ऐड हो गया 3, यहाँ 10 हो गया, और यहाँ पे हाथ में बच गया तो यहाँ फिर 10 हो गया, मतलब इतना केजी। दोनों का वेट मिलाते हैं तो इतना केजी हो गया। अब एक सेल का वेट कितना हो गया, वेट इक्वल टू 0.295 kg इतना हो गया। तो फिर कितना सेल्स हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ सेल्स इक्वल टू ये हो जाएगा इतना बाय इतना, इसको हम डिवाइड करते हैं तुमको मिल जाएगा इसका वेट। इसका मतलब है कि यहाँ पे 1, 2, 3 ये 3 बार चलेगा तो कितना हो गया, पॉइंट को हटाने के लिए इतना यहाँ था 1, 2 और एक बार चलेंगे तो यहाँ पे 0 आ गया। अब 295 इसको डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको काट भी सकते हैं, काट के छोटा कर सकते हैं इसको, तो छोटा कर लेते हैं। 5 से कट रहा है, यहाँ 0 है, यहाँ 5 है, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 5 जा 25 हो गया। तो यहाँ बच कितना गया, यहाँ 4 बच गया, मतलब 5 9 जा 45 इससे कट गया, और ये जो है 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10, यहाँ 0 आ जाएगा, ये 0 आ गया यहाँ पे। अब 3 लेते हैं तो फिर जाएगा नहीं, इसका मतलब 1 0 और लगेगा। उसके बाद 5 6 जा 30 ये कट गया इससे। अब ये जो नंबर है इससे हम डिवाइड करना पड़ेगा तभी पता चलेगा, तो डिवाइड कर लेते हैं इसको 59 2006 इसको कितने बार में जाएगा, यहाँ पे 3 डिजिट में जाना होगा, तो 5 लगभग ये 60 हो गया, तो 60 6 2 12 6 3 18 मतलब 3 बार में जाने की संभावना है। तो इस संभावना को हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे, यहाँ पे चेक करते हैं 3 बार में, 9 3 जा 18 हो गया, 27 हो गया, 9 3 जा 27 7 हो गया, 2 बच गया, 5 3 जा 15 16 17 यहाँ पे। अगर 4 बार में हम जाते कितना आता है, 4 ये हो गया 4 मल्टीप्लाई करके देखा जाता है, यहाँ पे 9 4 जा 36 हो गया, 3 बच गया, और 5 4 जा 20 20 और 3 23 हो गया, मतलब 236 200 से ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब है कि 3 बार में ही जाएगा, 3 ये 177 10 हो गया 7, तो 3 हो गया, यहाँ 9 हो गया 7, तो यहाँ 2 हो गया और ये कट गया, तो ये 6 यहाँ पे आ गया। अब कितना बार में जाएगा, तो यहाँ पे देख रहे हैं 4 बार में अगर हम लोग लिए थे उस समय तो 236 आ रहा था, इसका मतलब है कि
फोर बार में ही जाएगा, फोर टू 36 पूरी तरह से कट गया, तो कितना आया 34, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 34 सेल्स, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे क्या दिया हुआ है सबसे पहले पढ़ते हैं इसको। 1 kg ऑफ घी कॉन्टेंस इतना kg ऑफ फैट्स, फैट मतलब 1 किलो घी में इतना फैट है, हाउ मच घी विल कॉन्टेन इतना kg ऑफ फैट, तो इतना kg फैट के लिए कितना घी लगेगा या कितना घी में होगा, तो इसका मतलब है कि हम लोगों को निकालना है घी का मात्रा निकालना है, वेट ऑफ घी, तो हम लोग घी जो है पीछे लिखेंगे। सॉल्व करते हैं इसको, कितना फैट है 0.283 kg, इतना फैट किसमें है इन क्वांटिटी ऑफ घी, कितना क्वांटिटी है, क्वांटिटी ऑफ घी इक्वल टू 1 kg, मतलब 1 kg घी में इतना फैट है, तो हमको घी की वेट निकालना है इसीलिए घी हम पीछे लिखे हैं। अब जो है तो इतना केजी फैट के लिए कितना घी की आवश्यकता पड़ेगा, ये हो जाएगा 1/, ये डिवाइड हो जाएगा 0.283, ये हो जाएगा, लेकिन हमको ये नहीं निकालना है, को यहाँ पे नंबर जो दिया हुआ है 1.8395, इतना केजी फैट तो कितना घी में इतना फैट आएगा, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा 1/0.283 इनटू जो नंबर दिया हुआ है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.8395, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ 1 दिया हुआ है तो ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे ये इस तरह से हो जाएगा, तो 1.395/0.283 ये हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं कि ये जो है इसके बाद 3 डिजिट है, तो इसको 3 बार हम इधर करेंगे, 3 बार करते हैं, 1 यहाँ, 1, 2, 3 लास्ट में हो जाएगा, तो 839.5 हो जाएगा और नीचे में हो जाएगा 283। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा, तो यहाँ पे हम डिवाइड कर लेते हैं इसको, 283 और 1839.5 कितने बार में जाएगा, यहाँ पे 3 डिजिट में ये छोटा पड़ जा रहा है, ये बड़ा है, इसका मतलब हम लोग को 4 डिजिट में जाना होगा, तो यहाँ पे 2 9 18 होता है, लेकिन इसके साथ में बड़ा नंबर है, इसका मतलब है कि ये कम में जाएगा, इसको चेक करना होगा, 2 9 है तो 8 7 7 में, 7 बार में चेक करते हैं, 283 7 कितना हो जाएगा, 7 3 21 हो गया 2 और 8 7 56 58 हो जाएगा, तो 5 बच गया, और 7 2 14 14 और 5 19 हो गया, यहाँ पे 19 मतलब ज़्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब एक बार कम हम लोग को लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 बार में ले लेते हैं, 6 3 18 हो गया 1 और 8 6 48 48 और 1 49 हो गया, 4 बचा हुआ है, तो यहाँ पे 6 2 12 49 तो यहाँ पे 6 2 12 और 4 16 हो गया, तो इतना ही बार में जाएगा, कितने बार में गया 6, यहाँ पे 16 हो गया और 98 माइनस करेंगे इसको, 1 13 हो गया, तो 13 9 9 4 13 होता है, 4 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 7 हो गया, 7 में से 6 1 हो गया, ये कट गया, अब यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट वाला नंबर हम लोग लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 7 14 लेकिन बड़ा नंबर है, इसका मतलब है कि 7 बार में नहीं जाएगा, 7 बार में तो ऑलरेडी यहाँ पे है, 6 बार में तो इससे भी ज़्यादा है, 6 बार में इसका मतलब हम लोग को 5 बार में चेक करना होगा, तो 2 8 3 5 5 3 15 हो गया, 1 बचा हुआ है, 8 5 40 और 1 41 तो 1 4 बचा हुआ है, 5 2 10 और 4 14 हो गया, तो मतलब है कि 5 बार में कम्प्लीटली आ जा रहा है,
6.5, ये 14, 15 कम्प्लीटली ये कट गया कट गया। इसका मतलब है कि इसका आंसर इतना आ जाएगा इक्वल टू 6.5 केजी, 6.5 केजी घी, ये इसका आंसर हो जाएगा।